मैं अल्ताफ सैन शाह गैलानी बोल रहा हूँ, अजीरा आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। मुझे अरसा तकरीबन 20 साल से शुगर की तकलीफ़ है। मैं फॉरेन में सर्विस कर रहा था और इस शुगर की वजह से मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। तो यहाँ अगर मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम हुआ है और गुर्दों का भी प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान FIC हार्ट का जो स्पेशल अस्पताल है उसमें दाखिल रहा हूँ। उधर मेरा इलाज हो रहा था तो मैं वहाँ से वापस घर आया, उन्होंने दवाई वगैरह दी, फिर तकलीफ़ हुई, फिर वापस अस्पताल में दाखिल हो गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। फिर वापस घर आया तो मेरे वहाँ पड़ोस पर एक मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि आपको मैं बिलावड़ा शरीफ कोंडली सतियाँ लेकर चलूँगा, वहाँ इंशाल्लाह आप जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पहुँचे जिस वक्त तो मेरा पेट जो है वो बहुत बड़ा हो चुका था, सांस मेरा बंद हो रहा था, बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था मैं। तो पीर साहब ने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आए और मुझे दम किया। जब उन्होंने दम किया तो उनके दम करने के 20 मिनट के बाद मुझे पेट में बहुत तकलीफ़ हुई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि आओ मेरे साथ मुझे बाथ में ले चलो। तो जब वो बाथ में लेकर आया तो मुझे बहुत बड़ा एक पेचस हुआ है, जिसकी वजह से मेरे अंदर से कालख निकली है, वो स्याह कलर का कुछ निकला। निकलने के बाद 20 मिनट के बाद मैं बिल्कुल इजी अपने आप को समझने लगा और मेरा पेट अपनी जगह पे चला गया जहां वो पहले था। तो मैं उधर से आते हुए स्टेजर पर, एम्बुलेंस के स्टेजर पर आया था। तो यहां जब मैंने दरबार पर हाजिरी दी तो देने के बाद मैं वापस गाड़ी को खुद लेकर गया हूँ रावला कोट तक। 4 घंटे की ड्राइविंग की मैंने और अल्लाह का बड़ा करम है कि उसके बाद मेरे पेट में वो फारा नहीं पड़ा और सांस का प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज फिर मैं अक बादशाह साहब के पास आया हूँ तो फिर मैं दोबारा हाजिरी दी है और मैं ये बात वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती है और हकीकत जो मेरे साथ गुजरी है। इंसान जब अपने घर से किसी दर पे चलता है तो जितना सच्चा उसका इरादा और जितनी सच्ची उसकी नीयत होती है इतनी ज्यादा वो शफा लेके जाता है। दरवेशों का आस्थान है सिर्फ मोहब्बत वाले। यहाँ आप ये समझ के आएंगे कि ये मेरी मर्ज है या बीमारी है या तकलीफ है, ये बस खत्म हो जाएगा तो मेरी बात में फिर आना छोड़ दूंगा, तो आप शफा नहीं पाएंगे। जब आप इस नीयत से आएंगे कि मैं अल्लाह के बंदे के साथ पास आया हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में होकर इस बंदा खुदा की मोहब्बत में मैं सेहतियाब भी हो गया हूँ तो आता रहूंगा, तो फिर आपको शफा दे। गलत तयन किया गया है, गलत तखयल किया गया है, हमने हर चीज को मेडिकल समझा हुआ है, डॉक्टर समझा हुआ है, मालिक समझा हुआ, हकीम समझा हुआ, तबीब समझा हुआ, ये बात नहीं। अल्लाह वालों से रिश्ते जोड़ने से शफा हो जाती है, करम हो जाता है, और ये दुनिया नहीं मैशर में भी करम होता है।